सीजी न्यूज प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। आदर्श कृषि उपज मंडी मुंगेली में किसानों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि किसानों के फसल रखने के लिए शेड का निर्माण कराया गया, किंतु व्यापारियों द्वारा शेड को कब्जा करके अपना अनाज वहीं डंप कर लिए है, जिसके कारण किसान अपनी फसल गर्मी व बारिश में खुले आसमान पर रखने को मजबूर है। मंडी में चौकीदार की लापरवाही के कारण जानवर किसानों के अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। मंडी प्रांगण में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान गंदा पानी पीने को मजबूर है। साथ ही शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से किसान खुले में शौच करने को मजबूर है। मंडी परिसर के अंदर शौचालय बना हुआ है जो खंडहर की तरह बंद पड़ा है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष विवेकानंद साहू, जिला संयोजक संजय परिहार, ब्लॉक उपाध्यक्ष जय कुमार ओंगरे सहित बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24। उसमें व्यापारी लोग कब्जा कर लिए हैं, वहाँ वो लोग अपना माल डंप कर लेते हैं और किसानों को जबरन धूप में, गर्मी में, पानी में, बाहर में, आसमान के नीचे रखना पड़ता है अपना फसल। दूसरी जो समस्या है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसान और मजदूर लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तीसरी जो समस्या है शौचालय की, ODF जिला होने के बाद दुर्भाग्य है कि कृषि उपज मंडी मुंगेली में एक शौचालय नहीं है, और है तो वो बंद पड़े हैं। चौथी जो है, मवेशी घुस जाते हैं किसानों के अनाज को, वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो खुले आसमान में फसल रखते हैं, उसकी परेशानी धूप में, गर्मी में, दूसरी फसल जानवर लोग जो खाते हैं उनकी रखवाली करते हैं। कुल मिला के वहाँ किसान परेशान हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने गए तो क्या बोले कलेक्टर साहब? हाँ, तो डिप्टी कलेक्टर मैडम बोली कि इस समस्या का जल्द ही समाधान करेंगे। वहाँ मंडी सचिव के पास भी गए थे ज्ञापन देने, तो वो बोले इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पता करता हूँ। और वहाँ जो किसान लोग शिकायत करते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है मंडी के कर्मचारियों के द्वारा। दूसरी बात, हम लोग ज्ञापन कई बार और दे चुके हैं, उन लोगों के कान में जू तक नहीं चलती मंडी कर्मचारियों के। तो एक हफ्ते के अंदर अगर इस सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ जिला मुंगेली के द्वारा उगला आंदोलन की जाएगी और किसानों का हक, उनका अधिकार उनको दिलाएंगे। क्या नाम लिखते हो? विवेकानंद साहू, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ मुंगेली। देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24, सबकी बात सच के साथ।